हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे आर्टिकल सीज में आर्टिकल 15 के बारे में, जो पार्ट है हमारा पार्ट 3 शेड्यूल 3 का पार्ट है। तो शेड्यूल 3 के अंदर हम बात कर चुके हैं आर्टिकल 12 के बारे में, 13 के बारे में और 14 के बारे में ऑलरेडी बात हम कर चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको रिविजन करा बता देता हूँ। तो आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून समानता के बारे में बात करता है आर्टिकल 14। तो आज हम इसी सीरीज में आगे कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। तो आर्टिकल 15 बात करता है प्रोविजन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिलीजन कास्ट रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड जेंडर। अगर कहीं पर भी किसी धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर कहीं भी भेदभाव किया जाता है हमारे देश के अंदर, तो उसे डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यह बात करता है आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 के अंदर हमारे पास दो पार्ट हैं। एक तो है स्टेट किसी भी, यानी सरकार किसी भी रिलीजन के बेस पर या जाति के बेस पर या नस्लवाद के बेस पर या प्लेस ऑफ यानी जन्म स्थान के बेस पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती सरकार कहीं पर भी। पहला प्रावधान तो यह है आर्टिकल 15 के अंदर, यानी अनुच्छेद 15 के अंदर। दूसरा प्रावधान यह है, अगर सरकार चाहे महिला और बच्चों के लिए कुछ नया जोड़ सकते हैं आर्टिकल 15 के अंदर, तो यह दूसरा प्रावधान है आर्टिकल 15 का। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।